We will talking about the decision of Allahabad High Court. First of all, we are talking about India's situation in sport basic ground level works. Here the physical education teacher in foreign countries enjoy every kind of facilities. In our country India, we are still trying to prove that the degree of B.Ed and B.Ped is equal. Even though NCET, who is the highest organization in education sector of India, there are many circulars who point out that degree of B.Ed and B.Ped is equivalent. But who explain this to the department, education department? There are all kind of facilities to the players, award in, but in India very poor type of facilities. Then it come to the medals, then the analysis it done with the highest country, and anybody does not talk about the facilities what for extent the sports in India. The situation has improved, but the situation in the villages still remains poor. You can see this decision. I want to tell you a very important about the physical education in India of Allahabad High Court's decision. If you are a physical education teacher, then this is very important decision for you. If you are working in the post of third grade or second grade in the post of physical education, if you are working in education department in any state of India, then it is very important decision for you. The college have just up with a decision regarding the physical education of the Allahabad High Court, which is a very important for all the states, whether it is important for everyone who is working in physical education. It is very important time to build up physical education in India. Our Prime Minister also spoke about the physical education in every speech. यह हमारे उन साथियों के लिए जो हिंदी भाषा को सही तरीके से समझ नहीं सकते हैं. अब मैं हिंदी पर आता हूं. साथियों, यह शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, जिसमें बताया गया है कि बीपीएड और बीएड डिग्री इक्विवेलेंट हैं, इसलिए अनुभव के आधार पर आप फिजिकल टीचर को भी सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाचार्य बना सकते हैं. साथियों, मैं वो पॉइंट आउट करूंगा, वो चीज़ जो ज़रूरी होगी. आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं. फेसबुक के पेज का लिंक मैं उस पर छोड़ दूंगा. और अगर किसी को भी इस डिसीजन की आवश्यकता होगी तो वो फ़ोन नंबर के माध्यम से या फेसबुक के लिंक के माध्यम से संपर्क कर सकता है. लास्ट में ये देखिए, जो ये लाइनें हैं इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है. वी दस रिप्लाई टू क्वेश्चंस बाय होल्डिंग ए टीचर इन फिजिकल एजुकेशन हैविंग बीपीए डिग्री इज एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज हेडमास्टर of a high school but not as a principal of immediate intermediate college. तो ये वो डिसीजन है साथियों, जिसकी सहायता से आप भारत के किसी भी कोने के अंदर अगर फिजिकल एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो आप
प्रमोशन ले सकते हैं, हेडमास्टर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास आ जाएगी, आप फिजिकल एजुकेशन का नाम और भी ऊंचा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको कौन सा गेम पसंद है? अच्छा, तुम अमेरिका गई तो क्या लेके आई? गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लाई। अच्छा, और कुछ खुद के लिए लाई क्या? तुम्हारे तुम्हारे सारे दोस्त क्या कहते हैं तुम्हें? तुम्हारे घर में मामा चाचा सब क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। तुम्हें ये खेलने के लिए किसने हिम्मत दी? सर ने दिया। क्या नाम है सर का? अमित सर है सर। लेकिन मम्मी तो कहती होगी नहीं तुम खेलने के लिए जाना नहीं, घर में पकाओ, खाना पकाओ, मदद करो, छोटे भाई को खिलाओ, ऐसा कहती है ना? सर कहती थी मैं नहीं। फिर भी किया तुमने। देखिए, जो खेल में आगे जाते हैं ना उसमें है, और जब लड़कियां खेल में आगे जाती है तो मैं कहता हूं कि उनकी माता का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है तब जाकर के, क्योंकि माँ चाहती हैं कि अब बच्ची बड़ी हो रही है तो किचन में मदद करें, घर काम में मदद करें, और वो सब बंद करके माँ कहते कि नहीं नहीं जाओ बेटा तुम खेलो, आगे बढ़ो। ये अपने आप में माँ का बहुत बड़ा त्याग होता है। ये शारीरिक क्षमता में परमात्मा ने उसे कुछ न कुछ कमी दी है, उसके बावजूद भी इस बच्ची ने ये कमाल किया है। मैं उनके टीचर को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं कि उसने ऐसे बालक के पीछे कितना समय बिताया होगा, तब जाकर के सोनिया में ये हिम्मत आई होगी। तो मैं शिक्षक को भी बधाई देता हूं, सोनिया को बधाई देता हूं। अब उसने मुझे पूछा है कि आप कौन सा खेल खेलते हैं। अब राजनीति वाले क्या खेलते हैं सबको मालूम है। लेकिन मैं सामान्य छोटे से गांव से था, और उस समय हमने तो सारे आज जो खेल के नाम है वो तो कभी सुना नहीं था, देखा तो सवाल ही नहीं था, और न ही हमारा कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड था कि हम कोई ऐसे खेल खेल पाए। तो पेड़ पे चढ़ जाना, लटक जाना, उछल जाना, यही हमारे खेल हुआ करते थे। ज्यादा से ज्यादा कबड्डी और खो खो जो स्कूल में खेलते थे। लेकिन मुझे कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे तो मैं तालाब जाता था, तो उसके कारण मुझे तैरना आ गया, फिर वो मेरी हॉबी बन गई। काफी देर तक मैं तालाब में तैरता था तो वो मेरी एक आदत बन गई थी। थोड़ा आगे बढ़ा, योगा की दुनिया से जुड़ गया, तो फिर उसमें मेरी रुचि बढ़ने लग गई। लेकिन जिसको आप खेल कहते हैं, लेकिन मेरे टीचर थे परमार साहब करके, आप तो पता नहीं कहाँ है, मैंने बाद में ढूंढा लेकिन मुझे कभी मिले नहीं। वे बड़ौदा के पास पांद्रा के शायद रहने वाले थे, और मेरे गांव में वो टीचर थे, वो पीटी टीचर थे, और उन्होंने एक पुरानी व्यायामशाला को जिंदा किया था। तो मैं सुबह 5 बजे उस व्यायामशाला में चला जाता था और मलस्तम सीखता था मैं, लेकिन न मेरी उतनी क्षमता थी, मैं किसी स्पर्धा वर्धा में पहुंच नहीं पाया। लेकिन उनके कारण मैं थोड़ा बहुत मलस्तम सीख रहा था। लेकिन हमारे, जैसा आप जानते हैं, हमारे देश के गांवों में उस प्रकार से तो खेल वेल होते नहीं है, लेकिन जैसे हिंदुस्तान का हर बालक होता है, क्रिकेट खेलता नहीं तो कम से कम क्रिकेट जहाँ खेला जाता है वहां किनारे पर बैठा रहता है, और बॉल बाहर गया तो बेचारा उठा करके ले करके देता है उनको। तो मैं ये सेवा बहुत करता था। सोनिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई तुम्हें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Yes, you can see that is the decision of Allahabad High Court about physical education in India. Yes, you can see CPED, BPED, MPED degree is eligible to teach subject in Chin National Council. It is very important decision in India. Yes. You can see, and at last read these lines. And you can read these lines. With us reply questions by including that teacher in physical education having BPED degree is eligible to be appointed as headmaster of high school but not as principal of an intermediate college. Very, very important decision. साथियों और इस तरह की जानकारी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस आगे भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित मैं इस तरह की वीडियो डालता रहूँगा धन्यवाद